नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण क्या होते हैं। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे लाल फूल, यहाँ पर हमें यह स्पष्ट है कि यह फूल लाल है तथा इसकी विशेषता यही है कि यह फूल लाल रंग का है, तो लाल यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। इसके पश्चात है दूसरा उदाहरण, मोटा आदमी। इस चित्र में जो आदमी है वह मोटा है तथा यही इसकी विशेषता है जो उसे दूसरों से अलग करती है कि यह आदमी मोटा है, तो मोटा यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण। आइए अब इन भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हों उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, चालाक, बुद्धिमान, काला, पतला आदि। ये सब शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुणों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सूरज बहुत बुद्धिमान है, अर्थात बुद्धिमान जो है वह सूरज का गुण है। इसी प्रकार से मेरे भाई के पास एक काला कुत्ता है। काला जो है वह कुत्ते की विशेषता है कि वह काले रंग का है, अर्थात यह उसका एक गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या अर्थात नंबर, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, 7, 10, 15। इस प्रकार से जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, या हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मोहन के पास 4 कार हैं। यहाँ पर जो कार शब्द है, कार एक वस्तु है जिसे गिना जा सकता है तथा इसकी विशेषता बताने वाला शब्द 4 है, तो यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार सुनील के पास कुछ किताबें हैं। यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि किताबें कितनी हैं, लेकिन किताबों को गिना जा सकता है, अर्थात यह भी एक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि फिक्स, जिसकी संख्या निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जहाँ पर कुछ फिक्स नंबर की बात की जाए, जो गिनने योग्य वस्तु हैं उनके साथ एक फिक्स नंबर हो, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 4 लड़के खेल रहे हैं।
यहाँ पर लड़के लड़कों को गिना जा सकता है तथा उनकी एक निश्चित संख्या दी गई है कि 4 लड़के खेल रहे हैं। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके नाम से स्पष्ट है कि जहाँ पर निश्चित संख्या ना हो, अर्थात गिनी जाने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके विषय में हमें यह ना पता हो कि वह कितनी हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखा जाता है। परिभाषा, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में बहुत से आदमी हैं। अब आदमियों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन आदमी कितने हैं, बहुत से आदमी कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं करवा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से माप तोल या परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे 2 किलो चावल दे दो या उसे थोड़ी चीनी दे दो। यहाँ पर भी संख्या दी गई है 2 किलो, लेकिन यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आपको अंतर यह देखना है कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें चीज़ों को गिना जा सकता है, जबकि जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें जो वस्तुएं या दी होंगी या जिनकी विशेषता बताई गई होगी उन्हें हम केवल माप तोल सकते हैं। जैसे चावल को हम तोल कर लेते हैं तो यह 2 किलो उसके तोल के बारे में बता रहा है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार उसे थोड़ी चीनी दे दो, चीनी को भी तोल कर लिया जाता है, तो यह भी परिमाणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहित ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा हम माप कर लेते हैं तथा उसके साथ एक निश्चित संख्या दी गई है 4 मीटर, तो यह निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा, जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जहाँ पर परिमाण के बारे में निश्चित रूप से कुछ ना कहा गया। जैसे रोहित के पास कुछ चावल हैं। चावलों के बारे में निश्चित नहीं है कि वह कितने हैं तथा वह मापने या तोलने की वस्तु है, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। विशेषण का चौथा और अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम, जिन विशेषणों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे सुनील के पास मेरी पुस्तक है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द मेरी संज्ञा पुस्तक से पहले लगा है तथा वह बता रहा है कि मेरी पुस्तक है, अर्थात यह पुस्तक मेरी है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है वह लड़का पढ़ने में अच्छा है। यहाँ पर वह एक सर्वनाम शब्द है तथा उसके बाद आने वाला शब्द लड़का एक संज्ञा शब्द है, तो जो संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत
रखा जाता है। ये है विशेषण के विशेषण तथा उसके चार भेदों भेद थे, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद।